हाय गाइस, वेलकम बैक. दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट. तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि अपने आने वाले वीडियो में मैं आपको वो सब कॉमनली यूज्ड इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा जो कि टॉप नोट, मिडिल नोट और बेस नोट बनाने के काम आते हैं, और इस बार भी हम वो एक प्रेजेंटेशन के थ्रू समझेंगे. पर उससे पहले मैं आपको एक और बात याद दिला दूं कि मैंने आपको बोला था, आई बेट यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट विच ऑल इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू मेक परफ्यूम्स. और वो सब इंग्रेडिएंट्स को जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक. इससे पहले कि मैं इस टेबल के कंटेंट्स के बारे में कुछ डिस्कस करूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए गए हैं, दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंग्रेडिएंट्स. इनका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ या अकेले यही इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं नोट्स को बनाने में परफ्यूम्स के. इनके अलावा भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया जाता है, पर मेजॉरिटी ऑफ द परफ्यूम्स में आप यही वाले इंग्रेडिएंट्स को पाओगे इन टॉप नोट, मिडल नोट एंड बेस नोट रिस्पेक्टिवली. अगर मैं टेबल के कंटेंट्स की बात करूं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इस टेबल को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है. टॉप नोट ऑल्सो नोन एज हेड नोट, मिडल नोट ऑल्सो नोन एज हार्ट नोट एंड द बेस नोट. और अगर आप देख सकते हैं, टॉप नोट को मैंने दो सेक्शंस में डिवाइड किया है. वन इज सिट्रस एंड द अदर वन इज एरोमेटिक. सो अंडर द टॉप नोट ज़्यादातर आपको सिट्रस ज़रूर मिलेगा. सिट्रस, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे घरों में पाया जाने वाला नींबू कम्स अंडर द सिट्रस फैमिली. एंड कभी अगर आपने नींबू को स्मेल किया हो, दैट फ्रेग्रेंस इज यूज टू फॉर्म टॉप नोट इन परफ्यूम्स. एंड मैनी अदर फ्रूट्स लाइक बर्गेमो, ऑरेंज, लेमन एट्सेट्रा आर यूज टू मेक टॉप नोट. सेकेंड सेक्शन दैट कम्स अंडर द टॉप नोट इज एरोमेटिक, जिसके अंडर लेमन ग्रास और लेवेंडर एट्सेट्रा आते हैं. गाइस, जब भी हम किसी स्पा या मॉल के अंदर एंटर करते हैं, तो एक बहुत ही हिप्नोटिक सी फ्रेग्रेंस आती है, विच इज सो स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग कि वो हमारी सारी की सारी अटेंशन अपनी तरफ खींच लेती है. सो ऑल दीज फ्रेग्रेंसेज आर यूज टू फॉर्म टॉप नोट, जो कि जैसा मैंने आपको बताया था कि आर द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ एनी फ्रेग्रेंस और अ परफ्यूम. नाउ अंडर मिडल नोट, अगर आप देख सकते हैं, इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड स्पाइसेस. फ्रूट्स लाइक रेसबेरी, स्ट्रॉबेरी, पियर एट्सेट्रा आर यूज टू मेक मिडल नोट. एंड एज टोल्ड, दीज आर द मेन सेंस एंड कैरेक्टर ऑफ एनी फ्रेग्रेंस और अ परफ्यूम. दैट इज वाई दे आर यूज टू मेक मिडल नोट. नेक्स्ट कैटेगरी इज फ्लावर्स, विच यू ऑल मस्ट बी नोइंग इज वेरी कॉमन दैट फ्लावर्स आर बींग यूज टू मेक फ्रेग्रेंसेज बिकॉज दे हैव अ वेरी यूनिक एंड सूदिंग स्मेल. और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है इनकी लास्टिंग का, बिकॉज गाइज, अगर स्मेल बहुत ज़्यादा हार्ड होगी, इट कैन लीड टू अ हेडेक, आपका सर दर्द कर सकता है. दैट इज़ वाई फ्लावर्स विच हैव अ वेरी लाइट एंड अ सूदिंग स्मेल आर यूज टू मेक द मेन सेंस और द कैरेक्टर और द हार्ट ऑफ एनी परफ्यूम, सो दैट इट शुड बी लाइट. थर्ड इज स्पाइसेस. यस, स्पाइसेस. साउंड सरप्राइजिंग, राइट? जी हाँ दोस्तों, हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले स्पाइसेस को भी यूज़ किया जाता है फ्रेग्रेंसेस बनाने में, लाइक फेनल, जिसको हम सौंफ भी बोलते हैं, ब्लैक पेपर, पिंक पेपर, सिनेमन यानी कि दालचीनी, एंड कार्डमम यानी कि इलायची. एंड नाउ बेस नोट. सो बेस नोट इज कॉमनली यूज्ड इंग्रेडिएंट्स में आते हैं वुड लाइक सेडार वुड, सैंडलवुड. जैसा कि हम जानते हैं, सैंडल इज अ वेरी प्लेजेंट एंड अपीलिंग स्मेल. इन द सेम वे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड. सेकेंड वन इज मस्क. मस्क इन हिंदी इज नोन एज कस्तूरी, जो कि हम सबको पता ही है, इट इज़ फाउंड इन द ग्लैंड्स ऑफ अ डियर. देन थर्ड वन इज विटेवर. विटेवर इन हिंदी इट इज़ नोन एज खस, विच इज़ नोन एज इंडियन ग्रास एंड इट्स ऑयल इज यूज टू मेक फ्रेग्रेंसेज. तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, विच इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड सरप्राइजिंग थिंग्स विच आर यूज टू मेक फ्रेग्रेंसेज. Practically whatever you can think of on this planet can be used to make fragrances. तो जो भी ये मैंने लिस्ट बनाई है,
is very surprising ingredients according to me, and I think it will be surprising for you too. Now food items like biscuits, honey, kulfi, dark chocolate, yogurt, popcorn, cheese, milk, beeswax, leather, oysters, seashells, beer, cognac and masala chai, etc. are used to make ingredients in perfumes. फ्रेंड्स, इसका ये मतलब नहीं है अगर मैंने बिस्किट बोला है तो बिस्किट को क्रश करके उसको किसी ऑयल या अल्कोहल के अंदर मिक्स करके परफ्यूम को बना दिया जाता है. मींस द एसेंस और द एजेंट्स दैट आर यूज्ड टू मेक बिस्किट्स आर द सेम एजेंट्स विच आर यूज्ड टू मेक परफ्यूम्स ऑल्सो. नाउ आई विल बी टेलिंग यू द मोस्ट वियर्ड इन्ग्रीडियंट्स दैट आर यूज्ड टू मेक परफ्यूम्स. सम ऑफ देम आर एल्यूमिनियम, ऐश, ब्रिक्स, बर्नट मैचस्टिक, क्ले, ड्यू ड्रॉप्स, फैब्रिक, फायर, ग्रेफाइट, हॉट आयरन, वाटरफॉल, इंडस्ट्रियल ग्लू, पेंट, इंक, लावा, मोटर ऑयल, स्प्रे पेंट, टैल्क, वेट प्लास्टर, वूल, कोल टार, एटसेट्रा. क्यू फ्रेंड्स, है ना सरप्राइजिंग फैक्ट्स एंड इंग्रेडिएंट्स अबाउट परफ्यूम्स. मैं एक और बात आपको क्लेरिफाई कर दूँ. जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं आर ईदर यूज डायरेक्टली इन मेकिंग द फ्रेग्रेंस और इनडायरेक्टली बाई यूजिंग अ यूनिक केमिकल कॉम्पोजिशन ड्यू टू विच द नेम ऑफ लॉट मनी फ्रेग्रेंसेज आर इंस्पायर्ड फ्रॉम दीज मटेरियल्स लाइक टॉम फोर्ड वुडवुड, टॉम फोर्ड टस्कन लेदर, टोबैको वेनिल, जिनके बारे में हम आने वाले वीडियोज में भी बात करेंगे. तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. आपको ये वीडियो कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो. And before Perfume is signing off, I just want to request, do like and subscribe to our channel and share our videos. Because aane wale time mein hum aap tak bahut hi useful information leke aane wale hain, which will include unboxing and reviews of all the popular fragrances. So stay tuned.